गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में, शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध। तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक, पता जावा शोरूम, बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज सागर। क्या चाइना का सामान अभी बाजारों में चल रहा है? क्या तमाम देश के त्योहारों पर चाइना के सामान ने कब्जा कर लिया है? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि मकर संक्रांति के त्योहार पर एक छात्र की मौत की यही वजह बनी है। वजह है चाइना का सामान। यह सच है मध्य प्रदेश को जैन का, जहां मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंग उड़ाने का रिवाज है। यह रिवाज पूरे देश में है। ऐसे में छात्रा अपनी बहन के साथ स्कूटी पर सवार होकर माधव नगर थाना क्षेत्र के वृक्ष से गुजर रही थी, तभी उड़ती पतंग की डोर यहाँ बिछी थी, जिससे उसका गला कट गया और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई, जबकि उसकी ममेरी बहन का भी गला कट गया, जिससे उसकी हालत खराब बताई जा रही है। लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन एक वकील ने दोनों बहनों को पाटीदार हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां नेहा अंजना नाम की छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन का इलाज जारी है। पॉइंट पुल पर दो बच्चियों को गले में डोर लिपटी हुई थी, और जिससे उसको कटिंग हुई है गले में, बहुत ज़्यादा गहराई तक हुई है, और गिर के ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा था। तो राहगीर वहाँ खड़े हुए थे, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया था। ये एक घंटे पहले की करीबन घटना है। नाम तो मैं नहीं जानता, और रास्ते में पड़ी हुई थी, दोनों बच्चियां चिल्ला चोट कर रही थी, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा था, तो मानवीय दृष्टिकोण से उनका हॉस्पिटलाइज करवाना जरूरी था, इसलिए मैं उसको उठा के लगे। नेहा महेंद्रपुर के नारायणा गांव की रहने वाली है, और अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आज इसे चाइना के सामान से मौत मिल गई। बहरहाल पुलिस ने सभी चाइना माल बेचने वालों पर कार्रवाई करने की बात की है। इसमें पुलिस द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, और जांच के बाद इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, और हमारे द्वारा कोशिश ये रहेगी कि हम उस व्यक्ति को ट्रेस आउट करने का प्रयास करेंगे जो ये पतंग उड़ा रहा था, और वो जहां से ये खरीद के लेके आया उस विक्रेता पे भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे द्वारा कुछ महाकाल थानों और नीलगंगा थानों में भी कुछ कार्रवाइयाँ की गई है। ऐसे जितने भी चाइनीज डोर बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं, उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और बल्कि बेचने वालों पे हम NSA और उनके मकान तोड़ने वाली इस तरह की कार्रवाइयाँ भी भविष्य में। लेकिन आजकल देश में पतंगों का मांझा चाइना वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद घातक है। चाइना ने बड़ी चतुराई से देश के हर एक त्योहार पर कब्जा करके देश के छोटे मोटे उद्योगों की न सिर्फ कमर तोड़ दी है, बल्कि अब चाइना का सामान मौत की वजह भी बनता दिख रहा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।